बलूचिस्तान में गिरकर तबाह होने वाले पाक फौज के हेलीकॉप्टर के हादसे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अफसोस का इजहार किया है। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि मादर वतन के तहफ्फुज़, सलामती और दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। कौम को अपने शहदा पर फख्र है, ये कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने हादसे में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया और शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताजियत की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें सवार दोनों पायलट समेत 6 अफराद बाहरकार शहीद हो गए थे। सरकारी जमीन पर कब्जे से मुतालिक केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तनवीर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुस्लिम लीग नून रहनुमा चौधरी तनवीर और साथी चौधरी दानियाल ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। महकमा एंटी करप्शन ने इल्जाम आयद किया था कि मुलजिमान ने 2019 में 27 किनाल अदालत में बयान दिया कि केस से कोई ताल्लुक नहीं, सियासी बुनियाद पर केस बनाया गया। जज एंटी करप्शन कोर्ट मोहम्मद मसरूर जमान ने केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बड़ा इजाफा देखने में आया है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत रुझान जारी है। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 2.65 रुपए सस्ता होकर 237 रुपए का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है और 100 इंडेक्स 345 पॉइंट इजाफे से 4,965 पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि 23 सितम्बर को 16 रोज बाद पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कदर में 6 पैसे की मामूली कमी रिकॉर्ड की गई थी। नेपाल में होने वाली इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने सोने के 6 तमगे जीत लिए। पाकिस्तान के हमजा उमर सईद और मजहर अब्बास ने नेपाल के शहर पोखरा में जारी 3री मावन एवर्स्ट इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स जीते, जबकि हारून खान और अरबाज खान ने चांदी के मेडल्स अपने नाम किए। 87 किलोग्राम कैटेगरी की रोगी इवेंट के फाइनल में हमजा सईद ने भारत के गुरु भात के खिलाफ पहले राउंड में 2-11 और दूसरे राउंड में 4 के मुकाबले में 11 पॉइंट से कामयाबी हासिल करके तलाई तमगा जीता। वफाकी वजीर बराए मंसूबा बंदी अहसन इकबाल ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर केस करने का ऐलान कर दिया। अपने एक बयान में लीगी रहनुमा अहसन इकबाल का कहना था कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स को कबाड़ा करने पर इमरान खान के खिलाफ केस करूंगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली पर इजाफी अखराजात इमरान खान और नैब से निकलवाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान 4 साल में पाकिस्तानी मुईशत को बम बांध कर दिए, मुईशत को लगाई इमरान हुकूमत की बारूदी सरंगों को हमें साफ करना है।